नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों, एमपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए यहां पे एक लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आपको जानकारी दी थी कि जो आपकी मेधावी विद्यार्थी योजना होती है जिसके अंतर्गत दोस्तों अगर आपके 12वीं क्लास में अगर आपने एमपी बोर्ड से 12वीं क्लास की है और अगर आपके दोस्तों 70 या फिर 70 से ज़्यादा परसेंटेज बन जाते हैं, इसके अलावा दोस्तों अगर आपने सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से 12वीं क्लास पास की है और अगर आपके दोस्तों 85 या फिर 85 से ज़्यादा परसेंटेज बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आपको मेधावी छात्र योजना जो होती है इसके आप पात्र हो जाते हैं और आपकी दोस्तों जो कॉलेज की फीस है आपकी माफ़ हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन होती थी कि जो आपकी परिवार की जो आपकी वार्षिक आय है, यानी कि दोस्तों जो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है, वो आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब इसमें यहाँ पे आपको संशोधन कर दिया। कल इसकी दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें दोस्तों इसके रिगार्डिंग यहाँ पे संशोधन करना था, तो उसकी दोस्तों फाइनली यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एबीपी न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में होनहार छात्रों को दी जाने वाली मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन से छात्र हित में योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, दोस्तों आपकी कल बैठक हुई थी, प्रदेश में विद्यार्थियों के हित में अहम निर्णय यहाँ पर लिए हुए हैं और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को यहाँ पर अनुमति दी गई है। बैठक में तय किया गया कि योजना से जुड़े विद्यार्थियों को अब उनके माता पिता या पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक होने पर भी लाभ से यहाँ पे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपकी फैमिली की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है साल की, तो भी दोस्तों यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय को 6 लाख तक सीमित कर दिया था, अब इस सीमा को खत्म कर दिया गया है। वहीं लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग व फार्मेसी के सेकेंड ईयर कोर्स में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आपके 12वीं क्लास में 70 या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज बन जाते हैं, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आपके 85 या फिर 85 से ज़्यादा परसेंटेज बन जाते हैं, तो दोस्तों आप इस योजना के पात्र हो जाएंगे और आपके दोस्तों जो कॉलेज की फीस है वो आपकी माफ़ हो जाएगी। वो दोस्तों यहाँ पर आपकी सरकार के द्वारा भरी जाती है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी स्कॉलरशिप वो आपके अकाउंट में आ जाती है। आपको किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी शुल्क आपके कॉलेज में यहाँ पर सबमिट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी दी गई योजना की, तो आप इसको चाहें तो यहाँ से आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो उसकी यहाँ पे कुछ कंडीशन है। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी सभी कोर्सेज होते हैं उसमें दोस्तों यहाँ पे आपको नॉर्मल क्राइटेरिया चलता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एमपी बोर्ड की सभी प्रकार की सही और लेटेस्ट जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।